Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to read the lesson 1 of class 6 NCERT English book, that is Who Did Patrick's Homework. So let's get started. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. So Patrick एक बॉय का नाम, बॉय की स्टोरी यहाँ पे बताई गई है. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. वो हमेशा बोलता था कि होमवर्क इज टू बोरिंग, होमवर्क बहुत बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड. वो क्या करता था, उसकी होमवर्क करने की बजाय वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो, एक टाइप का वीडियो गेम है, वो खेलना पसंद करता था. उसकी टीचर्स उसे बोलती थी कि तुम होमवर्क करो, अदरवाइज तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, जो कि सही भी बात थी. उसे कभी कभी फील होता था कि शायद वो इन चीज़ों को लेके इग्नोरमस है, यानी कि वो इस चीज़ों को इग्नोर कर रहा है. बट क्या कर सकता था वो, क्योंकि वो होमवर्क को हेट करता था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. एक बार जब वो उसने देखा तो उसकी कैट जो थी एक छोटे से डॉल से खेल रही थी, और जब उसने उस डॉल को उससे लिया तो वो सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो एक डॉल नहीं थी बल्कि वो एक छोटा सा आदमी था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच. ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट. उसने देखा कि वो एक छोटा सा आदमी जो है, उसने एक छोटी सी वूल की यानी ऊन की बनी हुई शर्ट पहनी थी, और उसके कुछ ओल्ड फैशन से कपड़े थे, और सर पर एक विच यानी एक जादूगरनी की जैसी हैट थी. उस मैन ने पैट्रिक से कहा, मुझे बचा लो और मुझे उस कैट को मत दो, उसके बदले में मैं तुम्हें एक विश प्रदान करता हूँ, एक विश देता हूँ. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. सो ही सैड, Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. पैट्रिक को तो बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि उसको अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके सामने से खुद एक विश चल कर आई थी. उसने कहा, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करते रहोगे इस सेमेस्टर के एंड तक, जिसमें 35 डेज बचे हुए थे, और अगर तुमने अच्छा काम किया तो मुझे ए भी मिल सकता है, ए ग्रेड भी मिल सकता है. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. ही किक्ड हिज लेग्स, डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स. ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट. पहले तो लिटिल मैन का फेस जो होता है वो थोड़ा सा गुस्से में और थोड़ा सा परेशानी में, डिस्कस्ट में हो जाता है. पहले तो वो लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर वो मान जाता है. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. Except always know what, he didn't know what to do and he needed help. Help me, he would say. And Patrick would have to help in whatever way. और अपनी बात को रखते हुए उसने, एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट भी किया, पर एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसे सारी चीज़ें हमेशा समझ में नहीं आती थी. वो हमेशा चिल्लाता था help me, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Give me a dictionary. Know what's even better, look up the word and sound it out by each letter. वो उसे हमेशा कहता था कि मुझे ये वर्ड नहीं पता. जब भी उसे कुछ चीज़ समझ में नहीं आती थी, वो बोलता था कि मुझे ये शब्द नहीं पता, तुम या तो मुझे डिक्शनरी ला दो, नहीं उससे बेटर है तुम एक काम करो कि तुम उस वर्ड, एक एक वर्ड को पढ़ते जाओ और मुझे समझाते जाओ. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never that. जब वो मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक से उसने कहा कि ये टेबल्स क्या होती हैं, हम एल्फ्स ने, यानी कि हम जो टाइनीएस्ट मैन रहते हैं, उन्होंने तो कभी इस चीज़ को नहीं देखा और नहीं सुना. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शन, ही हैज सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. और वो बोलता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, फ्रैक्शन, ये सब क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता, तो मेरे साथ बैठो और मुझे समझाओ. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just go louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब maths के साथ साथ
उसके लिए ह्यूमन की ह्यूमन हिस्ट्री भी एक मिस्ट्री की तरह थी, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था उस बारे में। तो लिटिल एल्फ ने पैट्रिक से कहा कि लाइब्रेरी जाओ, मुझे बहुत बुक्स की ज़रूरत है, बुक्स लेकर आओ और मुझे समझाओ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेक, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज एट अ ट्रैक। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज हाइज फ्लफ्ड एंड वियरी। अब पैट्रिक को हर बात में एल्फ की मदद करनी पड़ती थी और वो सारा दिन इतना थका हुआ और इतनी मेहनत करता था कि वो स्कूल भी थकी हुई आँखों के साथ जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। फाइनली लास्ट दिन आया स्कूल का जब एल्फ फ्रीली अपने फ्रीली वापस जा सकता था, क्योंकि अब होमवर्क और कोई तो था नहीं, बिकॉज सेमेस्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए वो चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, क्लीन हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अब पैट्रिक का जब रिजल्ट आया तो उसे ए ग्रेड मिला था। उसके क्लासमेट्स जो थे वो हैरान थे और उसके टीचर्स बहुत खुश और बहुत उसकी तारीफ कर रहे थे, और इसके पेरेंट्स को तो इतना आश्चर्य हो रहा था कि ये पैट्रिक को हो क्या गया है। लेकिन अब वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया था, वो हमेशा अपना रूम साफ करता था, अपने काम खुद करता था, वो हमेशा खुश रहता था और अच्छे से बात करता था, कभी वो रूडली जवाब नहीं देता था, और ऐसा लगता था कि जैसे उसका एक नया ही एटीट्यूड सामने आ रहा हो। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेक दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। लास्ट तक पैट्रिक को ये लगता रहा कि वो एल्फ से अपना होमवर्क करवा रहा है, बट द रियलिटी वॉज कि वो एल्फ से अपना होमवर्क नहीं करवा रहा था, वो सारी मेहनत खुद कर रहा था। सो दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय कैरोल मूर। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ, वॉट वॉज इट रियली? पैट्रिक को क्या लगा कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही है और एक्चुअली में वो चीज़ क्या थी? पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, बट इट वॉज अ मैन ऑफ द टाइनियस्ट साइज। पैट्रिक को लगा कि वो उसकी कैट जो है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, बट रियलिटी में वो एक छोटा सा आदमी था। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? जो लिटिल मैन था उसने पैट्रिक को एक विश क्यों ग्रांट की? द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज पैट्रिक सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट। उसने ये विश उसे इसलिए दी थी क्योंकि पैट्रिक ने उसकी कैट से उसे बचाया था। वॉट वॉज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की विश क्या थी? पैट्रिक्स विश वॉज दैट द लिटिल मैन विल डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। पैट्रिक की विश क्या थी कि जो छोटा आदमी है, लिटिल मैन है, वो क्या करेगा, उसका सारा होमवर्क करेगा जब तक कि सेमेस्टर खत्म नहीं हो जाता, और वो सेमेस्टर कितने दिन का था? 35 डेज का। फोर्थ क्वेश्चन, इन वॉट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जिसमें लिटिल मैन को पैट्रिक की मदद की जरूरत पड़ी? द लिटिल मैन वॉज वीक इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। वो किसके सब्जेक्ट्स में वीक था? मैथ्स, इंग्लिश और हिस्ट्री में। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की? पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइडेड हिम, एंड ही ऑल्सो ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम। पैट्रिक उस लिटिल मैन के पास बैठता था, उसे हर चीज गाइड करता था। पैट्रिक सेट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइडेड हिम। पैट्रिक ने क्या किया, उस लिटिल मैन के साथ वो बैठा और उसे सारा गाइड किया, और सारी जो बुक्स थी लाइब्रेरी से वो भी वो लेकर आया और उसे सब समझाई। लास्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? गिव रीजन। आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, लिटिल मैन ने या पैट्रिक ने खुद? इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड द होमवर्क, बिकॉज ही हैड टू असिस्ट द लिटिल मैन अगेन एंड अगेन टू डू होमवर्क विद द हेल्प ऑफ बुक्स। ये पैट्रिक था जिसने वो पूरा होमवर्क किया, क्योंकि वो लिटिल मैन को एवरी टाइम असिस्ट करता था और हर चीज़ वो उसे खुद समझाता था। उसने इसके लिए लाइब्रेरी से बुक्स भी मंगवाई थी, सो इसीलिए पैट्रिक ही वो था जिसने अपना होमवर्क खुद किया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट। थैंक यू सो मच।